नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं टाटा म्यूचुअल फंड में CIO इक्विटीज हूँ। फर्स्टली मैं ये आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार सुरक्षित हैं इस समय में, और सेकेंड वेव जो कि खत्म हो चुका है लेकिन थर्ड वेव की अभी भी आशंका है, तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इन सब से वैक्सीनेशन के जरिए काफ़ी मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। कोविड जैसी इवेंट्स होते हैं उनसे बिजनेस साइकिल्स पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, और हमने ये देखा है पिछले कुछ सालों में कि बिजनेस साइकिल्स की वजह से अच्छी कंपनीज भी की भी परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है, और अगर बिजनेस साइकिल अच्छा हो तो एवरेज कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो हमने ये जो बिजनेस साइकिल्स फंड डिज़ाइन किया है, ये इसका उद्देश्य यही रहेगा कि हम जो इकॉनमी के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके आधार पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपनी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करें। जब इकॉनमी में काफ़ी उतार का माहौल होता है तो जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो ज़्यादा अच्छा, लेकिन जब कंपनी इसे रिकवर जब इकॉनमी रिकवर कर रही होती है जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, तो हमने देखा है कि जो बैंकिंग सेक्टर या कैपिटल गुड सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर या कमोडिटी सेक्टर, ये सेक्टर्स ज़्यादा अच्छा करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो छोटी कंपनीज और जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक चीज़ हमने नोटिस की है कि पिछले 5 सालों में अगर हमने सेक्टर एलोकेशन ठीक से कर दी इकॉनमी की हालात को देखते हुए, तो उससे हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कंपनी सिलेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इस फंड में हम ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हम सेक्टर सिलेक्शन को देंगे। और मैं मानता हूँ कि जैसे पहले जो साइकिल्स होती थी, उतार चढ़ाव की जो साइकिल होती थी, वो 4-5 साल तक चलती थी किसी भी इकॉनमी में, ग्लोबल हो या इंडिया की इकॉनमी में। अब वो जो है दौरान जो है उसका 1 से 2 साल होके रह गया, तो हमें एक ऐसे पोर्टफोलियो की ज़रूरत है हर इन्वेस्टर को जो कि इस उतार चढ़ाव को बखूबी से उसका फ़ायदा उठा सके, और जहाँ पे उसे अपनी कैपिटल को बचानी है उस बचाने के लिए भी पोर्टफोलियो वो काम कर सके। इसीलिए ये जो बिजनेस साइकिल फंड, टाटा बिजनेस साइकिल फंड जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम लोग सेक्टर एलोकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें कि कौन से सेक्टर में इस टाइप की इकॉनमी में कौन से सेक्टर में रहना चाहिए, और उससे मैं समझता हूँ कि हमें हर इन्वेस्टर को इस टाइप के पोर्टफोलियो की ज़रूरत होगी अगले 3 से 5 सालों में। बिकॉज जैसा मैंने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल्स हैं, जो बिजनेस साइकिल्स हैं, वो काफ़ी छोटी हो गई हैं और काफ़ी एक्सटर्नल ट्रिगर्स होती हैं, काफ़ी बार एक्सटर्नल इवेंट्स हो जाती हैं, जैसे कोविड हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हैं। और इसीलिए बिजनेस साइकिल के बेसिस पे इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर के लिए एक ज़रूरी सेगमेंट हो जाएगा अगले 3 से 5। तो एक बार फिर से अगर मैं सारी चीज़ों को एक संक्षिप्त में बोलना चाहूँ तो टाटा बिजनेस साइकिल्स फंड जो है वो इकॉनमी को देख के सेक्टर एलोकेशन करेगा, और उसके बेसिस पे हमें रिटर्न्स या उसके बेसिस पे हमें परफॉर्मेंस की भी चांसेस जो है हमें लगता है कि हम अगर हम वो ठीक से कर सकते हैं उसकी चांसेस। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस साइकिल बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग को ध्यान से स्टडी कीजिए, और मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही जरूरी सेगमेंट होगा अगले 3 से 5। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।